हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। 5 दिन खाइएगा, रोग छूट जाएगा। अब वह रोगी जो है डॉक्टर के यहाँ से लावे दवाई और सोचने लगे कि 5 दिन का जो दवाई दिया है 5 दिन खाएंगे तब ना रोग छूटेगा। एक ही दिन जब क्यों ने दवाई खा लें तो रोग छूट जाएगा एक ही दिन में। तो यदि खा ले तो परिणाम क्या होगा? रोग क्या छूटेगा? रोग ये छूट जाएगा। वह दवाई जो है रिएक्शन कर जाएगा ना, क्योंकि दवाई में जो है ना पॉइजन होता है, विष होता है। वो थोड़ा थोड़ा मात्रा में खाते हैं 5 दिन तो रोग निवारण होता है, लेकिन एक ही दिन खा लिए तो राम नाम सा थोड़ा थोड़ा सेवन करें। उसी तरह से विषय भोग थोड़ा थोड़ा भोगिए और भोग भोग के बाद योग भी कीजिए। घर में योग भोग, घर ही में घर तो जीवन नहीं जावे। अल्पभोगी बनिए, मित भोगी बनिए और योग भी कीजिए। योग की ओर चलिए, परमात्मा की ओर चलिए, जीव को पीव में मिलाइए। इसके लिए साधन भजन करना पड़ेगा। यह पहला योग है, जीव को पीव में मिलाना प्रथम श्रेणी का योग है यह। लेकिन इस योग को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत योग करना पड़ेगा। वह योग क्या करना पड़ेगा? सत्संग योग करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग भी करना, यह ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान होता है, पहले परमात्मा के बारे में जानिएगा तब न उनको प्राप्ति करने के लिए यत्न कीजिएगा, भक्ति कीजिएगा। पहले जानिए। जानना भी दो प्रकार का होता है। ज्ञान का मतलब जानना दो प्रकार का। एक जानना बुद्धि में अटा लेना, परमात्मा के बारे में, परमात्मा का स्वरूप क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी, साधन क्या है, यह सब जानना। और उस विषय की बात पहले बुद्धि में अटाइए, यह होगा सत्संग में। ज्ञान यज्ञ है, सुनिए, सत्संग भी कीजिए। और सत्संग कीजिएगा तो ध्यान की भी प्रेरणा होती है, वैराग होता है। सत्संग भी करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ सत्संगे करने से काम नहीं चलेगा। योग भी करना पड़ेगा, बैठ करके साधन भजन भी करना पड़ेगा ना। परमात्मा को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, पहचान वाला ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान भी करना पड़ेगा। तो दोनों साथ साथ ले लेना पड़ेगा, ज्ञान और योग दोनों दोनों को लेना पड़ेगा। इसलिए गुरु महाराज का उद्घोष है, सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए, दोनों में संलग्न रहिए। और 5 पाप छोड़िए, झूठ चोरी नशा हिंसा और बेविचार 5 महापाप है, इसको दिल से हटा दीजिए। और थोड़ा थोड़ा भी ध्यान भजन करेंगे तो हम परमात्मा को एक दिन प्राप्त करेंगे। तो सदयुक्ति लीजिए भजन भेद, यही सबसे बड़ी बात है। अभी सुन रहे थे, नर्तन भव वारिधि कह बेरो और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करणधार सदगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। नदी पार करने के लिए क्या चाहिए? नाव चाहिए और क्या चाहिए? नाव चाहिए और केवट चाहिए, नाव को चलाने वाले। और क्या चाहिए? अनुकूल वायु। यदि हमको पश्चिम से पूरब की ओर जाना है, यदि पछिया हवा बह जाए तो मल्लाह क्या करेगा? पाल टांग देगा। उस हवा कारण से अनायास नाव जो है पश्चिम से पूरब की ओर चली जाएगी ना, खेना भी नहीं पड़ेगा। अनुकूल वायु चाहिए, यह 3 साज सामान चाहिए नदी पार करने के लिए। उसी तरह से यह संसार जो देख रहे हैं, इसको भव सागर कहा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी नदी है, सागर, भव सागर, भव न संसार, यह भी एक सागर है। तो इसको पार करना है, भव सागर को पार करना है। जो उब डूब रहे हैं हम लोग, जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, तो इससे उबार पाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसमें भी 3 चीज़ों की आवश्यकता है। इसमें भी नाव चाहिए, तो हम लोगों को नाव मिल गई है। नर्तन भव वारिधि का, नर्तन मनुष्य का शरीर, यही नाव है भव सागर पार करनी।
और अनुकूल वायु क्या है? ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा से ही मनुष्य का शरीर मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। उसके बाद फिर नाव को चलाने वाले भी तो चाहिए, वो मल्लाह। तो मल्लाह कौन है? करणधार सदगुरु। सदगुरु से मिलना पड़ेगा ना, इसलिए सदगुरु से मेल करिए। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रहिए, जब उतर जाए भव पारा तब छूटे यह संसार है। इसलिए गुरु से कर मेल गवारा, क्या सोचत बारम्बारा। गुरु से मेल कीजिए, जीवन में गुरु धारण करें। लेकिन गुरु होना चाहिए, गोरु नहीं, गाय बैल नहीं, पक्का गुरु होना। जो पहुँचे हुए फकीर है, जो जीते जी परमात्मा को पाए हैं, गुरु भी कीजिए, पक्का गुरु। अब बहुत ऐसे कचरा गुरु अभी है, तो उसके फेर में नहीं पड़ना है। पूरा गुरु धारण करके और उनसे सदयुक्ति लीजिए, भजन भेद। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं सदगुरु के शरण में जाने के लिए, तद विधि प्रणिपाते इन परिप्रश्न इन सेविया उपदेक्षंती ते ज्ञानम ज्ञान नस्व तत्व दर्शन। हे अर्जुन, तत्व ज्ञान को पाना चाहते हो तो तत्व ज्ञानी के पास जाओ। तत्व ज्ञानी कौन है? वो सदगुरु हैं। और उनको प्रणिपात करो, प्रणाम करो। प्रणाम करना भी एक सेवा है। कुछ नहीं करते, यदि प्रणाम करते हैं सेवा करते हैं, साधु की सेवा। सेवा भी कीजिए, पर प्रणाम करके सेवा कीजिए। तन मन धन अपने आप को निछावर कीजिए, तब मिलेगा कुछ, नहीं तो नहीं मिलेगा। सेवा कीजिए, सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा। तन लगाए उनकी सेवा में, तन से सेवा कीजिए, मन से सेवा कीजिए, धन से भी सेवा कीजिए। धन नहीं लगा पा रहे हैं, मन नहीं लगा पा रहे हैं, कहते मन नहीं लगा पा रहे हैं, तन भी नहीं लगा पा रहे, तो धन से ही सेवा कीजिए। राजा जोगी पेखना, खाली हाथ नहीं देखना, खाली हाथ नहीं देखिए, ऐसे भेंट कीजिए उनके चरणों में। उनको दान नहीं दिया जाता है, साधु महात्मा को भेंट की जाती है उनके चरणों में, उनकी सेवा की जाती है धन से। सेवा करने में पीछे मत रहिए, यही काम देगा आपको। जो भी कुछ दान करेंगे, हजूर श्री कहते थे एक सेठ था, वह सेठ को चार पुत्र था, पैसा वाला था सेठ, चार पुत्र था। तो वह सेठ जो है अपने गुरु महाराज के पास गए और गुरु महाराज से अनुनय विनय किए, हे गुरु महाराज कुछ समय दिया जाए, हमारे यहाँ चलें, सत्संग कर दीजिएगा, जग कर दीजिएगा। तो कहा ठीक है, समय दे दिए गुरु महाराज। आए वहाँ, उसके यहाँ सत्संग किए। उसके जब विदा होने लगे तो विदाई में भेंट देने लगे, कुछ रुपया पैसा देते हैं ना, तो देने लगे। और उनका एक पुत्र था, छोटा पुत्र साथ में था, दोनों मिलके देने लगे। तो गुरु महाराज कहते हैं, ए सेठ जी, आप तो कहते थे कि हमको चार पुत्र है, लेकिन देखते हैं एक के पुत्र है। कहने गुरु महाराज, हमको चार पुत्र नहीं है, हमको एक के पुत्र है, जो अभी हमारा साथ दे रहा है, हम अभी है हमारे सामने, तो वही न पुत्र है। जो देश विदेश में रह रहे वो पुत्र क्या? जो हमारी सेवा कर रहे वही पुत्र है, ये के पुत्र है? गुरु महाराज ने कहा कि सेठ जी, मैंने सुना था कि आपको बहुत धन संपत्ति है, बहुत धन संपत्ति है, करोड़ों अरबों की। कहना है गुरु, हमको बहुत संपत्ति नहीं है, आपके चरणों में जो मैं भेंट की है जो रुपया पैसा, वही हमारा है, और सब तो बेकार है, वही हमारा है। ऐसे हजूर श्री की कहानी कहते, महर्षि संत से भी पढ़ूंगा। इसलिए ही साथ जाएगा, साधु की सेवा करेगा। गुरु की भक्ति, साधु की सेवा, बिनु नहीं कछु हो पाई हो। खूब चढ़ भर के सेवा करनी चाहिए, कंजूसी नहीं। कंजूसी करिएगा तब तो फिर झुलिएगा, कंजूस नहीं बनना है। हजूर श्री कहते थे,
चार प्रकार का मनुष्य होता है संसार में। एक होता है कंजूस, दूसरा होता है मक्खी चूस, तीसरा होता है उदार, चौथा होता है दाता। तो दाता किसको कहते हैं? दूध देना ही जानता है, सब कुछ निछावर कर देता है। राजा कर्ण, हरिश्चंद्र, बहुत राजा हुए, राजपट लुटा दिए, दे दिए। तो कहने का मतलब दाता उसको कहते हैं। तो दाता बनना तो बड़ा मुश्किल है, दाता नहीं बन सकते हैं। कंजूस किसको कहते हैं? जो कि कुछ नहीं देता, एक फुटिकोरी भी नहीं देता किसी को, कुछ नहीं देता किसी को, उसको कंजूस कहते हैं। मक्खी चूस किसको कहते हैं? मक्खी चूस न किसी को तो देता भी नहीं है, अपने भी भोगता नहीं है, अपने भी खाता पीता नहीं है, कंजूस बना रहता है। मैली कुचली फटी धोती पहनी रहेगा, पहने रहेगा, अच्छा नहीं पहनेगा, और खाएगा भी अच्छा नहीं। तो उसका कहना है, खाए खुद्दी ठनकावे पेट, तब दरवास हुआ भेंट। ठीक से खाता पीता भी नहीं, इतना कंजूस होता है कि। तो उसको कहते हैं मक्खी चूस। मक्खी भी यदि घी में गिर जाए, उसको ऐसे नहीं फेंकेगा, कहे घी बर्बाद हो जाएगा, उसको चूस के फेंकेगा। मक्खी चूस न अपने खाएगा पिएगा, न किसी को देगा, उसको कहते हैं मक्खी चूस। उदार किसको कहते हैं? उदार कहते हैं जो कि अपने भी खाता पीता है, ऐसो आराम की ज़िंदगी जीता है, और जहाँ तक होता दूसरों की भी मदद करता है, सहायता करता है, परोपकार करता है, तो इसको कहते हैं उदार न। अयम निजह परो वेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम। यह मेरा है, आपका है, यह कौन गिनता है? छोटी बुद्धि वाली। इसलिए जो उदार होते हैं, हमारी संपत्ति आपकी है, ऐसे भाव रहता है। तो कहते हैं उदार चरितानाम वसुधैव कुटुम्ब, उदार चरित्र वालों के लिए सारी पृथ्वी ही कुटुम्ब है, परिवार है, उसका कोई परा नहीं, सब अपना है, परिवार है। इसलिए उदार बनिए। कहते हैं दाता बनना तो बड़ा मुश्किल है, कंजूस तो बनिए नहीं, महाकंजूस तो बनिए ही नहीं, कंजूस मक्खी चूस, कम से कम उदार बनिए, अपने भी खाइए पीजिए, जहाँ तक हो दूसरों की भी मदद कीजिए, गुरु की भक्ति कीजिए, सेवा कीजिए तन मन धन से, और ध्यान भजन करेंगे। कबीर साहब ने भी कहा, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। शुभ काम तो जरूर कीजिए, यही साथ जाएगा, और क्या साथ जाएगा। धनानी भूमो पशवे गोष्ठी, नारी गृह द्वारा ने सखा श्मशाने, देहश्चितायाम परलोक मार्गे, धर्माने गो गच्छति जीव एक। धर्म का भी काम कीजिए, यही धर्म साथ जाएगा। कहते अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे, बाप की करनी बाप पुत के पुते पावे, जोरू के जोरू खसम के खसम को फलता, अपनी करनी जीव सब पार उतरता, नेकी वदी है संग और संगी न कोई, देखो बूझ बिचारे संग जई हैं दोई, पलटू करनी और के नहीं और के मौत, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ।